ये इसमें दो मैं फिट हो जाऊंगा। हेलो दोस्तों, इस वक्त हम हैं सरोजनी नगर, दिल्ली का जो सरोजनी नगर मार्केट है, बहुत बड़ा क्लोथिंग मार्केट है यहाँ पे, और हर तरह के यहाँ पे क्लोथ्स मिल जाते हैं और ज्वेलरी वाली जो एक्सेसरीज होती हैं वो सब मिल जाती हैं। खास करके वुमेंस के लिए मार्केट है, गर्ल्स के लिए मार्केट है, क्योंकि वुमेंस और गर्ल्स की सारी चीज़ें यहाँ पर मोस्टली मिलती हैं। तो यहाँ सस्ते से लेके सस्ता और महंगे से लेके महंगा हर तरह की चीज़ें मिल जाती है। तो यहाँ पे हमने मार्केटिंग कर ली, और मैंने मार्केटिंग की थोड़ी वीडियो बनाई तो थी, बट वो वीडियो कहीं डिलीट हो गई थी, तो मैं वो रिकॉर्ड जो है वीडियो थी वो नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि वो मिसप्लेस हो गई है, मिल नहीं रही कहीं। जो मैंने थोड़ी बहुत मार्केटिंग की अपनी वीडियो बनाई थी यहाँ सरोजनी नगर में, तो थोड़े बहुत हमने कपड़े ले लिए हैं और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। कपड़े तो वैसे बहुत लेना चाहते थे बट ले नहीं पाए, तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं पार्किंग से, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग की भी व्यवस्था है सरोजनी नगर में। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो पार्किंग में पार्क कर सकते हैं, और यहाँ पे 40 रुपये पर आवर्स के हिसाब से लेते हैं पार्किंग में। तो हम यहाँ से गाड़ी ले के निकल चुके हैं। सरोजनी नगर से अभी बज रहे हैं शाम की 5:30 होने वाले हैं, और बाहर देखिए अंधेरा हो गया है, लगभग पूरा ही अंधेरा हो गया है, और सारी लाइटें जल रही हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ था वहाँ पे, इतना ज़्यादा रश था कि निकलना मुश्किल हो रहा था, और कपड़े तो दिखाई नहीं दे रहे थे कि कपड़े हैं कहाँ पे, बस ये लगी थी कि जल्दी से निकल जाएं इसमें से। सब एक दूसरे को धक्का दे दे के निकले जा रहे थे। तो खैर, 2-3 चीज़ें मैंने भी ली है वहाँ से, और शॉपिंग तो वैसे बहुत सारी करनी थी बट मैं नहीं कर पाई, क्योंकि भीड़ ही इतना ज़्यादा था कि मुझे कपड़ा दिखाई ही नहीं दे रहा था। तो फाइनली हम लोग वहाँ से निकल लिए, पर घूमा हमने, काफ़ी घूमा, लेकिन दिखाई कुछ नहीं दे रहा था, सिर्फ लोग दिखाई दे रहे थे। क्योंकि हर जगह भीड़ थी, किसी भी गली में चले जाओ सरोजनी नगर के, सब जगह भीड़ ही भीड़ थी। तो अभी हम जा रहे हैं घर, सट्टा ठाराट्टा मार्केट, अट्टा चलेंगे, अट्टा पे ही खड़े थोड़ी देर पहले। अच्छा, तो चलो देखते हैं क्या होता है, चलना है या गलेरिया चलना, किधर चलना वो डिसाइड करिए, फिर मैं गाड़ी चलाऊंगा। तो अभी देखो भाई, अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि घर जाना है या कहीं और जाना है। घर का तो रास्ता टूट गया, हम 18 की तरफ आ गए, छूट गया। हाँ, अब हम सेक्टर 18 से पहले आगे खड़े हैं। अब हमें DLF चलना है या गैलेरिया मॉल में चलना है, तो GIP में। देखते हैं कहाँ जाते हैं, फिर आपको बताते हैं बाद में। तो हम पहुंच गए हैं घर पे, और हमने जो कपड़े लाए थे वो देख लिए। अरे देखो, ये सोमू ने अपने लिए पसंद किया था। अब देखो क्या मस्त ड्रेस निकला है, इसमें दो मैं फिट हो जाऊंगा। क्या मस्त ड्रेस निकला है इसको, भाई देखो, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, पूरा बैगी स्टाइल। यो खाने पार्टी, अब ये कह रहे हैं कि इसका बर्थडे गिफ्ट, इनका हो गया आज बर्थडे गिफ्ट पापा की तरफ से, बर्थडे। अबे मम्मा की तरफ से बाकी है। अच्छा जी, मम्मा की तरफ से बैग हो गया, मम्मा की तरफ से दूसरा वाला। ये मस्त लग रहा है, मस्त एकदम, ये देखो दो आ जाएंगे सच में, इसमें मैं दो आ जाऊंगी ऐसे साइड बाय साइड। ये ऐसा एक्चुअली वहां पर नहीं पता चल रहा था कि इतना बड़ा होगा, ये ऐसा हुआ कि वहां पे ये लगा रखा था उन्होंने इसको, ये दिखाओ, ये रिबन,
ये रिबन लगा रिबन ये ऐसा बता हुआ रिबन लगा रखा पीता हमने काटा तब उसका उद्घाटन हुआ ये। हाँ तो ये रिबन लगे होने की वजह से ना ये लग रहा था कि तो काफी पतला है यार और बहुत लुक भी काफी अच्छा देखते हैं। हाँ। जब आए और फीता काट के हमने निकाला है उसके बाद इसका असलियत सामने आया। तो कोई नहीं व्हाइट कलर ये देखो ये पूरे घर के लोग पहन लेंगे इसको कोई भी पहन सकता सबसे है सबसे फिटिंग आया इनकी मामी को बड़ी मामी को फिटिंग सही है। चलो तो बजने वाले हैं अभी 10 और कल है न्यू ईयर क्या 10 क्या 2 घंटे में न्यू ईयर 2 घंटे में अरे मतलब जगे रहे तो आज हो जाएगा अगर सो गए पहले तो फिर कल होगा न्यू ईयर और क्या। तो अब हम जा रहे हैं बिरयानी खाने और तंदूरी तंदूरी डिश रेडी है और प्लस बिरयानी भी रेडी है तो हम उसे खाएंगे और न्यू ईयर मनाएंगे सेलिब्रेट करेंगे घूम के आगे बहुत ज़्यादा थके हो गए थे। अच्छा मैंने वीडियो नहीं बताया मैंने कि मैं वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि वहाँ पे हम गाड़ी खड़ी करके पार्किंग में और फिर मॉल गए थे डीएलएफ मॉल में हमने आधा घंटा स्पेंड किया उसके बाद मेरी कमर इतनी ज़्यादा दर्द होने लगी कि हम निकल गए वहाँ से और फिर खाते पीते घर आ गए। तो घर आने के बाद हम यही कपड़े देख रहे थे और फिर देखा तो कुछ तो अच्छे थे बट ये वाला देख के तो कुछ ज्यादा ही मजा आ गया। ये कुछ ज्यादा ये कपड़ा तो कुछ ज्यादा ही मजेदार निकल गया सच में सबसे बेस्ट कुछ ज्यादा ही बैगी स्टाइल हो गया। राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद आज है 1st तारीख यानी पहली तारीख जनवरी पहली तारीख 2024 की 2023 चला गया 2024 शुरू हो गया और आज का पहला दिन शुरुआत होता है भगवान के नाम से। लेकिन आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ इंडिया में जो नई शुरुआत होती है नया तारीख होता है वो मार्च में होली के टाइम से होता है बट चलता है ये भी हम मनाते हैं क्योंकि खुशी हर चीज़ में होनी चाहिए बस खुशी आने का एक मौका होना चाहिए है ना। तो हम ये 1st जनवरी भी मनाते हैं और फिर मार्च में भी मनाएंगे। तो पहला दिन है तो मैंने सोचा क्यों ना प्रसाद सबसे पहले खा जाए और किस्मत की बात देखिए आज हमें मिल गया वैष्णो देवी का प्रसाद तो ये बहुत अच्छी बात है कि माता जी के प्रसाद से हमारे दिन की ये देखिए शायद आपको दिख रहा हो माता जी के प्रसाद से आज हमारे दिन की शुरुआत होगी नए साल की और सबके जीवन में आप सभी के जीवन में ऐसे ही माता जी खुशियाँ बनाए रखें आप सभी को तरक्की दें आप सभी फैमिली के साथ खुश रहें निरोग रहें सबसे ज़रूरी है निरोग रहना आप सभी निरोगी रहें और खुश रहें अपनी फैमिली के साथ में। तो चलिए प्रसाद पहले खाती हूँ फिर आपके साथ बातें करती हूँ। आज मैंने नाश्ते में बनाई है इडली और ये है रवा इडली यानी कि सूजी की इडली मेरा पसंदीदा नाश्ता और मेरे हस्बैंड का तो मुझसे भी ज़्यादा क्योंकि जब भी उन्हें खाना होता है नाश्ते में कुछ तो कहते हैं बस रवा इडली बनाओ। तो इसमें हम प्याज और अदरक हरी मिर्च
ये सारी चीज़ें डाल के और दही के साथ मिक्स करके सूजी को, और फिर इस तरह का इडली हम बनाते हैं स्टीम पे, बहुत टेस्टी लगता है, आप भी कभी ट्राई करना। मैं नाश्ता करके थोड़े से गार्डनिंग वर्क है उसको भी निपटा रही हूँ। मैं एक्चुअली कई दिनों से सोच रही थी करने के लिए, बट रोज़ कल पे टाल रही थी, लेकिन आज मैंने फाइनली सोचा कि नहीं, आज तो बिल्कुल नहीं टालना है, आज मुझे ये काम कंप्लीट करना है, ख़त्म ही करना है। तो इसको मैं ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि इसमें मुझे ना टमाटर उगाने हैं, तो ये पहले से मैं मिट्टी तैयार करके रख रही हूँ, और टमाटर मैंने बीज डाल दिए हैं, जैसे ही ग्रो हो जाएंगे, पौधे बन जाएंगे, वैसे ही इस वाले में मैं लगा दूँगी टमाटर, तो चेरी टमाटे हमारे घर पे उगेंगे। वीडियो को कर लीजिए लाइक और इसी के लिए शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें।